हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, डेटाबेस बनाना तो एक पुरानी कहानी हो गई। अब डेटाबेस तो बहुत सारा बन सकता है, इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कनेक्टर का इस्तेमाल करके देखना है। एस माई एसक्यूएल में कनेक्टर इस्तेमाल करना है, जो कि माई एसक्यूएल का डेटाबेस फेच करा के दे दे हमें, और हमें कहाँ पे दे दे, और हमें सीधा सीधा पाइथन में नजर आए। वो डेटा, जो भी डेटा हमने लिया हुआ है, वो पाइथन में हमें नजर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले पाइथन ओपन करेंगे। अब हमारे पास पाइथन ऑलरेडी ओपन्ड है, और इसको यहां पर मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ये पुराना पाइथन है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए, डेटाबेस पहले दिखा देता हूँ। तो ये डेटाबेस हमारे पास पहले से है, देख लीजिए। एम्प्लॉय डी जो मैंने अभी कुछ देर पहले लाइव क्लास लेते वक्त बनाया था, और इसमें चीजें आ नहीं पा रही थी, तो थोड़ी सी दिक्कत थी। पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, जिसके वजह से वो लाइव क्लास लास्ट सेशन में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। तो वो चीज जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बाकी तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वही डेटाबेस है सेम, ठीक है। पाथ की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो पाथ अभी सेट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेटाबेस को, ये जो दिख रहा है डेटाबेस, इसी को फेच करा के दिखाएंगे। इम्प्लॉय टी नाम का डेटाबेस है, देख ही सकते हैं इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। इसमें एक राम दिख रहा है, रमेश दिख रहा है, अवेद दिख रहा है, सेवा और राजीव का रिकॉर्ड दिख रहा है, जो मैंने पहले इंसर्ट कराया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और हायर डेट भी दिख रहा है। ये सारी चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देख लीजिए एक बार। अगर दिख रही है तो अब हमको आगे का प्रोसीजर क्या करना है। तो देखिए, आगे का प्रोसीजर बड़ा आसान है, मैंने कल भी बताया था आपको। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, और पाइथन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम इम्पोर्ट करवाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल डॉट क्या देंगे, यहाँ पर देंगे कनेक्टर, क्या देंगे कनेक्टर। तो ये दे दिया कनेक्टर, इस तरीके से कनेक्टर दे दीजिए। और यहाँ पे एज डी, एज ई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बार एज ई कर देते हैं, आप एज डी भी कर सकते हैं, एज डी ही कर देते हैं, चलिए, ठीक है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है। और यहाँ पे कौन, कौन इज इक्वल टू, कौन इज इक्वल टू, हमने डी लिया है ना, तो डी डॉट क्या करेंगे, डी डॉट लगाएंगे, और यहां पे लगाएंगे कनेक्ट, कनेक्ट कनेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे लगा दिया कनेक्ट। और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे होस्ट, ठीक है, यहाँ पे होस्ट ही लिखना है आपको। और यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स में क्या देना है, लोकल होस्ट दीजिएगा, ठीक है ना, लोकल होस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया लोकल होस्ट, ठीक है। ये जो होस्ट नेम है, ये लोकल होस्ट आपको रखना है, और यूजर चेंज होते रहता है, वैसे फिलहाल हमारा यूजर रूट है, तो यहाँ पे यूजर कर देते हैं, यूजर इज इक्वल टू रूट। अगर आप यूजर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का अलग अलग कमांड होता है, तो फिलहाल उस पर हमें नहीं जाना है। फिलहाल हमने यहाँ पे यूजर रूट कर दिया है। और यहाँ पे पासवर्ड क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड पे आए, और पासवर्ड इज इक्वल टू क्या करेंगे, हमने पासवर्ड, देखिए मेरे केस में ना, मेरा पासवर्ड सूरज123@, ये मेरा पासवर्ड है, आपका जो भी हो उसी को इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत कहाँ आती है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है, ठीक है। कहाँ आपको दिक्कत हो जाए, कब आपको आ, आ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जरूरत पड़े, तो कनेक्टिविटी रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, एक बार चेक कर लिया जाए डेटाबेस का क्या नाम है। तो यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज एम्प्लॉय डी, यानी यूज कीवर्ड का यूज किया है, एम्प्लॉय डी नाम का हमारा डेटाबेस है, ठीक है ना। तो हमें अभी एम्प्लॉय डी लिखना है वहां, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं एम्प्लॉय डी, जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, स्मॉल कैपिटल का ध्यान बिल्कुल दे रहा है आपको, ठीक है। तो एम्प्लॉय डी नाम का डेटाबेस है, अब इसको बंद कर लीजिएगा और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा। अब आपको एंटर प्रेस करना है सिंपली, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखिएगा कर्सर, कर्सर लिख दिया, कर्सर इज इक्वल टू कौन, CON कौन हो गया, और फिर यहाँ पे लगाइएगा कर्सर, फिर क्या लगाएंगे, कर्सर लगाइएगा, ठीक है, कौन डॉट कर्सर, कर्सर हो गया, और ब्रैकेट को ओपन करिएगा, फिर क्लोज करिएगा, क्लोज करने के बाद एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर लिखेंगे कर्सर, कर्सर इस तरीके से लिख दीजिएगा, और यहां पर लगाइएगा डॉट, ठीक है, और यहां पर लगाएंगे एक्सीक्यूट, एक्सीक्यूट लगा दीजिएगा इस तरीके से, एक्सीक्यूट, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब हमें सेलेक्ट कमांड चलाना है, क्योंकि हमारा डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, SELECT, SELECT, ठीक है, सेलेक्ट कमांड। पहले एक चीज दिखा देता हूं, देखिए सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट नेम, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम है कि नहीं, पहले एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट नेम है ना, ऊपर टाइटल में क्या है, फर्स्ट नेम, और यहाँ लास्ट नेम है, और हाई डेट है, ठीक है। ये सारा डेट हमने उसी वीडियो में डाला था, जो अभी लाइव लिया था थोड़ी देर पहले, उसी में डाला था ये सारा, ठीक है। तो अभी हमने कर लिया है ये, अब फर्स्ट नेम करना है, देखिएगा स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देंगे, फर्स्ट नेम हो गया ये फर्स्ट, और यहाँ पे नेम, तो नेम का जो एन है ना वो हमारा क्या है, वो हमारा स्मॉल है,
तो यहां पे भी हमको स्मॉल ही रखना होगा, ठीक है। तो नेम स्मॉल हो गया और कॉमा दे देंगे, और फिर यहां पे लास्ट लास्ट, और फिर यहां पे फिर क्या देना है, नेम, NAME, नेम दे दिया, फिर यहां पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब क्या आएगा, हायर डेट आएगा, हायर डेट, तो ये लिखा हायर अंडरस्कोर डेट, DAT, हायर डेट भी आ गया, ठीक है। अब इस पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, तो यहां पे सेलेक्ट कमांड तो ऑलरेडी लिखा है, फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉयटी से, तो पूरा सेलेक्ट करना है, तो आप लिख दीजिए एम्प्लॉयटी, डायरेक्टली लिख दीजिए एम्प्लॉयटी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एम्प्लॉयटी लिख करके क्या करना है आपको, एम्प्लॉयटी लिख करके डबल एंटेड कोर्स को क्लोज करिएगा और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा, डाटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाइए, इज इक्वल टू का, और हम देंगे कर्सर, कर्सर क्या देंगे, कर्सर, ठीक है, कर्सर डॉट, अब हमें क्या देना है, फेच ऑल, फेच ऑल, हम पूरा ही डेटा फेच कराना चाहते हैं, हम एक नहीं कराना चाहते हैं, फेच ऑल दे दिया हमने, फेच ऑल, फेच ऑल दे दिया, ठीक है, हम पूरा ही डाटा तो फेच कराना चाहते हैं, तो फेच ऑल दे दिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और डाटा को प्रिंट करा दिया, तो डाटा हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फिलहाल हम क्या करेंगे, कनेक्टर के नाम से सेव करते हैं, कनेक्टर, ये देखिए कनेक्टर के नाम से सेव किया, डॉट पी वाई लगा दिया, अभी इसको सेव करेंगे, और यहां पर देखिए ये चला, तो देखिए पूरा ही डेटा फेच होके आया है, लास्ट रिकॉर्ड राजीव पांडे का है, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड राम सिंह का है, तो देखिए ना यहां पर देखिए ये फर्स्ट रिकॉर्ड किसका है, राम, राम सिंह, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है ना, और लास्ट रिकॉर्ड किसे है, राजीव पांडे, कुल मिला के कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5, चेक करते हैं 5 हमारा है कि नहीं, तो ये देखिए राम सिंह पहला, रमेश पांडे दूसरा, आबेद खान तीसरा, और यहाँ पे शिवा पांडे चौथा, और यहाँ पे राजीव, कुल मिला के हमारे भी पास तो 5 ही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि डेट के हिसाब से ये आए, डेट के हिसाब से, यानी बिटवीन नाम का एक कीवर्ड लगाएंगे, बिटवीन नाम का एक फंक्शन लगाएंगे, और उसके हिसाब से हमारा काम हो जाए, बस हमें इतने ही की जरूरत है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहां से इसको रन करवाता हूँ, अब रन करवाता हूँ, देखिएगा अभी रन करवा दिया तो क्या क्या आया हुआ है, देखिए जरा, बिटवीन मैंने किया था ना, तो 1/7 से लेकर 3 तक किया था ना, तो 3, 1/7 से 3, अब देखिए 1/7 वाला डेट आया है, देखिए 1/7/2023, फिर यहां पर 1/7/2023 आया है, यहां पे 2/9/2023 आया है, और 1/7/2023 है, कौन सा नहीं आया है उसको चेक करते हैं। तो ये देखिए यहां पर आइए, यहां पर देखिए 30/5/2023 वाला, यहां पर देखिए 30/5/2023, 1/7/2023, 1/7/2023, ठीक है, और कौन सा था बिटवीन, तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 1/7/2023 है ना, फिर देखिए जो जो 1/7/2023, अब यहां पर देखिए ये रिकॉर्ड देखिए, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ना, इतने ही का रहेगा, मतलब जितना दिया गया उतने ही का रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करेंगे, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।